हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ जो हम लोग को केरला में जो साउथ में कैसा फेस्टिवल होता है, उसका जो उधर का जो मेन फेस्टिवल है। मेन फेस्टिवल ओणम है, क्रिसमस है, और दूसरा ये है कि अलग अलग डेट में होता है, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, तो आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कैसा है कैसा नहीं है। तो आशा करता हूँ अच्छा लगेगा, तो वीडियो को देखते रहेंगे। थोड़ा 11-12 मिनट का लंबाई होगा। तो ये देखिए, ये भीड़ है। ये जो अभी जो गेट दिखा, सबसे मतलब दो गेट है, ये मंदिर का फ्रंट गेट है। जो मंदिर है, ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा है। ये मंदिर का अंदर का ग्राउंड है, बहुत भीड़ है, साल में एक बार होता है। ये देखो, ये संतोषी माता का मंदिर है, ये बहुत भीड़ है। और इधर का मेला में हम लोग को इधर जो मिलता है, इधर भी उतना वही मिलता है, लेकिन इधर क्या मिलता है, एक मूढ़ी बोलता है, वो जो हम लोग मूढ़ी खाता है चावल का, वो मूढ़ी है। और वो चना है, छिला हुआ चना, वो जो भाजा हुआ फ्राई किया हुआ, वो मिलता है। वो 30 रुपये का, ऐसा किलो सिस्टम नहीं है, 30 रुपये का एक डब्बा होता है, वो डब्बा के हिसाब से नाप के देता है, एक डब्बा फूल देता है। और बाकी सब हम लोग का उधर का जैसा ही है, सब कुछ मिलता है खाने पीने का। तो ये देखिए भीड़ बहुत बड़ा, ये रोड में है, ये जो मेन रोड है। और ये मंदिर का भी जो, ये जो संतोषी माता का मंदिर है, उधर से 500 मीटर दूर में एक बड़ा सा वो गणेश टेम्पल है, गणेश मंदिर है। उधर से ये पूजा इधर तक आ रहा है। और ये जो अभी आदमी लोग देख रहे हैं, ये मंदिर का कमेटी लोग है, जो सीनियर लोग हैं, कमेटी लोग। उधर का एक फ्लैग ऐसा रहता है, ये हर मंदिर में लगाता है। अरे ये जो पूजा होता है, ये हर साल जनवरी महीने से शुरू होकर मार्च तक जाता है। मतलब हर बड़ा बड़ा मंदिर में, गाँव का मंदिर में भी होता है, जो जो कर सकता है, खर्चा तो बहुत होता है। तो ये हर गांव में, मतलब ये हफ्ते आज है, नहीं तो अगला हफ्ता दूसरा मंदिर में, ऐसे ऐसे जाता है। तो 3 महीने तक ये कंटिन्यू चलता है, जनवरी से शुरू होता है, मार्च तक जाता है। ये देखो अभी, ये देखो आदमी लोग अभी एक एक करके भगवान बन के आ रहा है, जैसा प्योर साक्षात भगवान बन के, ऐसा पूरा प्योर नेचुरल भगवान जैसा बन के अभी आ रहा है। जो संतोषी माता का मंदिर है, जो गणेश, ये 500 मीटर का डिस्टेंस है, ये पूरा रोड में आदमी इतना ना जाम है, पूरा हिलने का भी जगह नहीं है। अरे हिलोगे तो कुछ देखने नहीं पाओगे, पूरा पीछे हो जाओगे, पीछे हो गए तो फ्रेंड आगे में कुछ देख नहीं पाओगे, इतना भीड़ है। ये पूरा जो लाइन है, लगता है 1 किलोमीटर होगा। ये जो अभी जो लाइन जो आ रहा है, ये पूरा पीछे तक है, पूरा डिवाइड है, एक एक करके डिवाइड है। अभी ये सब आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा और हाथी आएगा पीछे तक, एकदम लास्ट में है हाथी, ठीक है। वो 5 हाथी है, तो धीरे धीरे देखते रहने तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग का दूसरा नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ से मतलब किधर भी नहीं है, सिर्फ साउथ का फेस्टिवल बिल्कुल अलग है। हम लोग का इंडिया का कल्चर से पूरा अलग है। सब देव देवी का पूजा है, लेकिन इधर का थोड़ा अलग है आइटम्स। तो ये देखो इतना ना भारी है, ये एक आदमी उठा के, ये पूरा ये लकड़ी का होता है, बहुत भारी है, इसको पकड़ के नाचने का बहुत कंट्रोल चाहिए, इसको प्रैक्टिस भी होना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। ये कोई भी बुला सकते, इसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉन्टैक्ट करने से ये पूरा पैसा देने से सब आ जाता है। ये साल, ये सीजन भर, साल में 1 ही बार सीजन आता है इन लोग का। देखो अभी सबका हाथ में एक एक करके, बहुत लंबा बहुत भारी है, इसको उठाने के लिए जब पहले बार उठा रहा है तो उसमें 2-3 आदमी चाहिए पकड़ के उठाने के लिए। देखो इसमें लेडीज़ लोग भी है, बहुत मेहनत कर रही है। देखो तो क्या सरस्वती माता क्या क्या बन के आ रहा है, सरस्वती माता और दूसरा देवी सब बन के आ रहा है। अभी ऐसा डांस करते करते जा रहे हैं, ऊपर 500 मीटर तक ऐसे ही करके धीरे धीरे आगे जाते रहेगा। पूरा आगे पीछे पूरा बिल्डिंग ऊपर नीचे पूरा खचाखच भरा हुआ है, पूरा आदमी, एक भी गैप नहीं है, इतना भीड़ है। हाईवे है, मतलब टाउन का जो हाईवे है होता है, हाईवे है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये जो बजा रहे हैं, ये इधर केरला का, जैसा हम लोग का बंगाल का जो ढाक ढोल होता है, जो दुर्गा पूजा में बजता है, वो हम लोग का इधर का मेन होता है, लेकिन इधर का सिस्टम अलग है, ये थोड़ा अलग तरीका का बजाता है। ये देखो मतलब फूल का जैसे कितना, ये भी बहुत भारी है, कैसा डांस कर रहा है,
के लिए भी बहुत कंट्रोल चाहिए, मेहनत चाहिए, और पैरों में चप्पल चप्पल तो नहीं रहते हैं लोग का, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इधर एक गाड़ी में वो राम भगवान हनुमान पूरा पूरा महाभारत लेके बना के लेके आया, ये पूरा उड़ता है आगे में, वो पूरा मतलब मोटर सिस्टम लगाया हुआ है, वो उड़ता है। देखो ये ऐसा वाला टीम बहुत है, एक दो नहीं है, मतलब बहुत टीम है, 5-6 टीम है, ये आगे जाके पीछे ऐसा वाला और है, मतलब ऐसे ऐसे करके एक एक बहुत टीम है, एक एक मतलब ढोल बजाने वाला, ये एक एक टीम अलग अलग, ये ढोल बजाने वाला बहुत है, ये देखो अभी ढोल बजा रहे हैं। इधर का सिस्टम ऐसा ही है, सफ़ेद धोती और पूरा पूरा टी शर्ट नहीं डलता, ऐसे ही रहता है। कैसे डांस कर रहा नेक्स्ट टीम है, ये जो पहले ये लकड़ी का घर था प्लास्टिक गाँव एरिया में जो मंदिर होते हैं मंदिर से ऑटोमेटिक आते हैं, बुलाने का जरूरत नहीं है, विश्वास रखने वाला वो अभी ये डांस करने वाला लड़के लोग, मतलब ये सब ऐसे ही लोकल है, ऐसे इसको ऐसे प्रैक्टिस किया मतलब करवाया है, पैसे से करने वाला नहीं है ऐसे ही। बहुत भीड़ है, बहुत अभी आ रहा है थाली, जो इधर का जो महिला लोग आंटी लोग है दीदी लोग कोई भी लेडीज लोग कर सकते हैं, मतलब एक प्लेट में पूरा चावल लेता है और एक हाफ टुकड़ा नारियल और उसमें पूरा तेल डालता है और उसमें एक कपड़ा डाल देगा, सुलता बोलता है, वो कपड़ा डालेगा जब तक वो मतलब ख़त्म निभना नहीं चाहिए, वो मंदिर जाने तक पूरा जला हुआ रहना चाहिए, वो पूरा तेल ख़त्म होगा फिर तेल डालेगा, फिर उसमें केला रहता है, धूपकड़ी रहता है, अगरबत्ती फल मूल रहता है, और पूरा ये मंदिर से निकल के जो गणेश मंदिर है इस मंदिर से निकल के पूरा संतोषी माता का मंदिर तक जाएगा, और ये संतोषी माता का जो मंदिर है वो लोग मलयालम में मारियम्मा कोविल बोलता है। ठीक है, तो अलग है नाम, देखो पूरा बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा लाइन है, पूरा को वीडियो में पकड़ने का इतना वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाए, इसलिए हमको काट काट के अभी देखो ये पूरा साइलेंट है, पूरा जितना बाजी बजा हो बैंड बजा हो सब आगे चला गया, पीछे और है, इन लोग का पीछे और है, फिर उसके पीछे और दो तीन टीम है, फिर उसके पीछे हाथी है लास्ट में, ये देखो अभी थोड़ा साइलेंट है क्योंकि अभी सब आगे चला गया, ये अभी हम तो अभी पीछे आ गया, अभी देखो पीछे का ये देखो आदमी लोगों जो मुंह में त्रिशूल घुसा देता है, वो जो एक लंबा त्रिशूल होता है छोटा वाला, अभी वो सही होगा क्योंकि हम लोग का इधर जैसा बंगाल में जैसा चौरक खेला होता है, वो पूरा एक आदमी पूरा पीछे पूरा कांटा का जैसा दो छेद करता है उसमें पूरा रस्सी में पूरा घूमता है, तो ऐसे ही है ये लोग, देखो पूरा लोहा का एक रड घुसा दिया, त्रिशूल बना के और घुसा दिया, फिर नींबू भी लगा के रखता है। देखो ये अलग अलग मंदिर से आया है, और ये देखो अभी इधर का जो पीछे वाला आंटी लोग ऊपर अलग दूसरा कलर का साड़ी लगाया है, जो पहले जो आंटी लोग देखा है ऊपर व्हाइट कलर का, कि हम लोग के इधर व्हाइट कलर का पहने का दूसरा कुछ सोचेगा, लेकिन उधर ऐसे वही जो क्योंकि अच्छा अच्छा जगह में जाता है ऐसा ही कलर का साड़ी पहन के जाता है, जो पूजा में शादी में या अभी देखो ये जो लगाया है इसमें तेल डाल के वो कपड़ा बांध के रखा है और तेल डाल रहा है और जला रहा है, तो अभी निकलेगा हम लोग का महत बाबा, महा गणेश बाबा निकलेगा,
बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखो देखो ये दूसरा पार्टी है लास्ट में, ये देखो ये अभी हम लोग का आगे गणेश बाबा, ये टोटल पाँच है, अभी तीन आगे क्योंकि रास्ता थोड़ा मतलब पतला है, पाँचों को एक ही साथ में रखने का जगह नहीं, इसलिए तीन तो पहले आ रहे दो तो पीछे आ रहे, और ये जो हाथी ला रहे हैं लोग को पूरा भरा में ला रहा है, और इधर का आमने सामने जितना मंदिर है दूसरा मंदिर जो मंदिर में इतना बड़ा पूजा नहीं कर सकते वो लोग भी स्पॉन्सर करते हैं एक एक करके। ऐसा ही है, अभी सोचो इधर का मंदिर से दो लेके आए, नहीं तो तीन लेके आए, नहीं तो दूसरा मंदिर से एक एक करके स्पॉन्सर किए, इसलिए पाँच तो हो रहे हैं। और ये तीन महीने तक चलता है, ये जनवरी से लेकर मार्च तक तीन महीने के ये हाथी लोग को बहुत मेहनत होता है। ये देखो ये धीरे धीरे जा रही है, अभी उस मंदिर तक जाएगा। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा तो कमेंट में बताने का। तो ऐसे ही है इधर का फेस्टिवल होता है, ये बहुत भीड़ है, सब पीछे पूरा पीछे पीछे आदमी लोग जा रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो को बोलने का, और बहुत भीड़ है और ये लास्ट मंदिर तक जाएगा। ये देखो पाँच टू एक साथ में लगा दीजिए, इसमें पूरा बाजी उजी बजा रहे हैं, पूरा बैंड बजा रहे हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये पूरा बिल्कुल अलग है, साउथ में पूरा फेस्टिवल बिल्कुल अलग है। तो वीडियो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मैं रखता हूँ दूसरा वीडियो में और मिलेंगे, ठीक है, बहुत जल्द, बाय।